बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ ग्रेड 4 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का कर रहे हैं। इसके यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस भी हम कर रहे हैं। इसकी आज एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करनी है हमने। देखिए ये एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहनी कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए अब एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए एक्सरसाइज 3, इसे क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ये जो आपको पार्ट दिए हुए इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आइए इसे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखिए एक्सरसाइज 3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका ये पार्ट है। इसकी फ्रैक्शन है 6/7.4। इसको मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में हम लोग लिखेंगे 6/7 × 4। अब इसके जो नोमिनेटर हैं 6 और 4, इनको ऊपर लिख लेंगे। 6 × 4 ओवरऑल डोमिनेटर नीचे आ जाएगा 7। तो 6 और 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो 24/7 ये इसका आंसर है। इसके बाद रहेगा बी पार्ट है 9.5/6। इसको मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में इस तरह लिखेंगे 5/6 × 9। अब नोमिनेटर ऊपर लिख लेंगे 5 × 9 और डोमिनेटर नीचे आ जाएगा 6। अब 5 और 9 से मल्टीप्लिकेशन करें तो 45 आता है। 5×9 = 45/6। अब ये डिवाइड हो रहा है 3 के टेबल पे, ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 के टेबल 3 1 3 एक कह रही बचे इससे साल लगाए 15 हो गया। 3 5 15 और नीचे डोमिनेटर 6 है। 3 2 6 इस तरह 15/2 जो है ये इसका आंसर है। अब सी पार्ट के फ्रैक्शन 13/11 और इसको इस तरह मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिखेंगे 13/11 × 11। इसमें जो नोमिनेटर है 13 और 11 वो ऊपर लिख लेंगे 13/11 और डोमिनेटर नीचे आ जाएगा 11। अब 13 को 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो 143 है। 143 को इधर लिखा ओवर डोमिनेटर नीचे 11। ये डिवाइड हो रहा है 11 पे। 11 1 11 11 1 11 3 कैरी बचे 3 के सारे कैरे ये हो गया 33। 11 3 = 33 इस तरह हमारा आंसर आया 13/1। अब डी पार्ट 8/9/6 इजीगोटी इसको मल्टीप्लिकेशन शक्ल में इस तरह लिखेंगे 8/9 × 6। अब जो नोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा 8/6/9 डोमिनेटर नीचे आ जाएगा। 8 को 6 था मल्टीप्लिकेशन करें तो 48 आता है और डोमिनेटर नीचे आ जाएगा 9। ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो गया 3 1 3 कैरी बचे इसके साथ निकाल गया 18। 3 6 18 और 3 3 = 9 इस 16/3 ये आंसर है। अब स्टूडेंट ई पार्ट 1/10/2 और इस मल्टीप्लिकेशन शक्ल में इस तरह लिखे 1/10 × 2 और डोमिनेटर ऊपर लिखने के 1/2 और डोमिनेटर नीचे आ जाएगा 10। 2 1 2 और 10 नीचे डोमिनेटर 10 का 10 नीचे आ जाएगा। ये डिवाइड हो रहे हैं 2 पे
टू वन से टू टू फाइव जो टेन, इस तरह वन ओवर फाइव इसका आंसर है। इसके बाद एफ आर्ट सिक्स फ्रैक्शन सिक्स ओवर थर्टीन कॉमा वन, इसको मल्टीप्लिकेशन शक्ल में इस तरह लिखेंगे सिक्स ओवर थर्टीन मल्टीप्लिकेशन वन, हम नोमिनेटर ऊपर आ जाएंगे सिक्स मल्टीप्लिकेशन वन ओवर, और डोमिनेटर नीचे थर्टीन, सिक्स वन से सिक्स ओवर थर्टीन है, जी है सिक्स ओवर थर्टीन इसका आंसर है। अब जी पार्ट, जी के सेवन ओवर अलेवन कॉमा टू, इसको मल्टीप्लिकेशन शक्ल में इस तरह लिखेंगे सेवन ओवर अलेवन मल्टीप्लिकेशन टू, और नोमिनेटर ऊपर आ जाएंगे सेवन मल्टीप्लिकेशन टू, और नीचे डोमिनेटर अलेवन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन ओवर अलेवन, डोमिनेटर नीचे आ जाएगा जी फोर्टीन ओवर अलेवन जी आंसर है। अब एस पार्ट ये इसके है, ये मिक्स फ्रैक्शन है थ्री टू ओवर थ्री कॉमा वन, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, थ्री थ्री को थ्री के साथ मल्टीप्लिकेशन करें, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन में टू ऐड करें तो अलेवन, अलेवन ओवर थ्री कॉमा वन, अब इसको मल्टीप्लिकेशन शक्ल में इस तरह लिखें अलेवन ओवर थ्री मल्टीप्लिकेशन वन, और डोमिनेटर ऊपर आ जाएंगे अलेवन मल्टीप्लिकेशन वन ओवर डोमिनेटर नीचे थ्री, और अलेवन वन से अलेवन ओवर थ्री, ये आंसर है एच पार्ट में। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू, सॉल्व द गिवन फ्रैक्शंस, इन फ्रैक्शंस को भी सॉल्व करना है और ये मल्टीप्लिकेशन इनको करना है, मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में इन्होंने दिए हैं, तो आइए इस क्वेश्चन की सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन नंबर टू, इसका ये पार्ट, इसकी फ्रैक्शन है सिक्स ओवर टू मल्टीप्लिकेशन थ्री ओवर सिक्स, हम के जो डोमिनेटर है वो ऊपर लिखे लेंगे सिक्स मल्टीप्लिकेशन थ्री, और डोमिनेटर नीचे आ जाएंगे टू मल्टीप्लिकेशन सिक्स, हम इनको मल्टीप्लिकेशन सिक्स थ्री से आइए थी और टू सिक्स या ट्वेल्व, ये डिवाइड हो रहे हैं, सबसे पहले ये इस पर डिवाइड हो रहे हैं टू पे, टू नाइन ज़ार एटीन टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व, इसके बाद नाइन और सिक्स ये भी डिवाइड हो रहे हैं, तो ये थ्री के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, थ्री थ्री ज़ार नाइन थ्री टू ज़ार सिक्स, इस तरह थ्री ओवर टू आंसर आ गया। अब बी पार्ट है, इसकी फ्रैक्शन नाइन ओवर अलेवन मल्टीप्लिकेशन फाइव ओवर टेन, जिसमें जो नोमिनेटर है ऊपर लिखेंगे नाइन मल्टीप्लिकेशन फाइव और डोमिनेटर नीचे अलेवन मल्टीप्लिकेशन टेन, अब इनको मल्टीप्लिकेशन काटे नाइन फाइव से फोर्टी फाइव और अलेवन टेन से वन टेन, अलेवन के टाइम से मल्टीप्लिकेशन करें तो वन टेन आते, वन टेन अब ये डिवाइड हुआ है, फोर्टी फाइव ओवर वन टेन के डिवाइड किस पे डिवाइड हुए हैं, फाइव के टेबल पे, फाइव नाइन से फोर्टी फाइव, फाइव टू या टेन एक ग्यारह बजे से साढ़े ग्यारह हो गया टेन, फाइव टू या टेन, इस तरह नाइन ओवर ट्वेंटी टू इसका आंसर है। अब सी पार्ट, सी पार्ट फ्रैक्शन है थ्री ओवर सेवनटीन मल्टीप्लिकेशन, ये मिक्स फ्रैक्शन है थ्री थ्री ओवर फोर, इसको सबसे पहले हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, थ्री ओवर सेवनटीन वैसे ही वैसे है, जो मल्टीप्लिकेशन फोर थ्री से ट्वेल्व, ट्वेल्व में थ्री ऐड किए तो फिफ्टीन ओवर फोर, अब इसकी जो नोमिनेटर है ऊपर लिख लेंगे थ्री मल्टीप्लिकेशन फिफ्टीन और डोमिनेटर नीचे सेवनटीन मल्टीप्लिकेशन फोर, थ्री फिफ्टीन से फिफ्टीन को थ्री के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो फोर्टी फाइव आए, और इससे सेवनटीन को फोर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो सिक्सटी एट आए, तो फोर्टी फाइव ओवर सिक्सटी एट ये आंसर है। अब डी पार्ट है, डी पार्ट के ये भी मिक्स फ्रैक्शन है सेवन वन ओवर सेवन, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन वन फाइव ओवर एट, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है सेवन सेवन तो फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन में वन ऐड करें तो फिफ्टी, फिफ्टी ओवर सेवन मल्टीप्लिकेशन एट वन था एट, एट में फाइव ऐड करें तो थर्टीन ओवर एट आएगा, अब इनके जो नोमिनेटर ऊपर लिखने के मल्टी फिफ्टी मल्टीप्लिकेशन थर्टीन ओवर और डोमिनेटर नीचे सेवन मल्टीप्लिकेशन एट, अब फिफ्टी को थर्टीन के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है तो सिक्स फिफ्टी आया, सिक्स फिफ्टी को इधर लिखा हुआ सेवन को एट के साथ किया तो फिफ्टी सिक्स आया,
ये डिवाइड हो रहे हैं किस पे, टू के टेबल पे। टू थ्री ज़ा सिक्स, टू टू ज़ा फोर, एक कैरी बचा वन है इसके साथ लगा रहे टेन, टू फाइव ज़ा टेन, टू टू ज़ा फोर, एक कैरी बचा सिक्स के साथ लगा रहे सिक्सटीन, टू एट ज़ा सिक्सटीन। इसे इसका आंसर आया 325/8। अब ई पार्ट है, ई पार्ट में तीन तीन रकमों की शक्ल में फ्रैक्शन हम लोगों को दी, हमने दिए हुए हैं। तो ये 2/9 मल्टीप्लिकेशन 1/5/6 मल्टीप्लिकेशन 5/6। इसमें से जो जो सेंटर में है, जो ये मिक्स्ड में, इसको इम्प्रॉपर में पहले चेंज करेंगे। तो 16/2/9 मल्टीप्लिकेशन ये मिक्स है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। 6/1 6 में 5 ऐड किए तो 11/6 मल्टीप्लिकेशन 5/6, ये भी वैसे वैसे लिख रहे हैं। अब तीनों जो नॉमिनेटर हैं वो ऊपर आ जाएंगे और डोमिनेटर जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। 2/11 5 के ऊपर और नीचे डोमिनेटर 9/6/6। अब इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले सबसे पहले नॉमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तीनों को। 11/2 = 22 और 22 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो 110, मतलब 110 हम लोगों ने हमने लिखा। और इसके बाद 9/6/6 इनको मल्टीप्लिकेशन तीनों को करें तो 324 आता है। 9/6 = 54, 54 को 6 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 324। तो इस तरह इसको लिखेंगे 110/324। ये डिवाइड हो रहा है किस पे, टू के टेबल पे। 2 5 10, एक कैरी बचे इसके साथ निकाले होंगे 10, 2 5 10, अगर 2 1 2, एक कैरी बचे इसके साथ निकाले होंगे 12, 2 6 12, 2 2 4। इस तरह इसका आंसर है 55/62। अब इसे क्या एफ पार्ट, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन तीन रकमों की शक्ल में दी गई। 8/12 मल्टीप्लिकेशन 3/8/11, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। और नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन 5/7, 8/12 वैसे वैसे लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। 11/3 33 33 में 8 ऐड किए तो 41/11 मल्टीप्लिकेशन 5/7। अब जो नॉमिनेटर है तीनों, इनको ऊपर लिख लेंगे 8/41/5 और डोमिनेटर नीचे आ जाएंगे 12/11/7। अब इनको नॉमिनेटर को पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब 41 को 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है तो 328 है। 328 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है तो ये 1640, यानी कि 1640 इनका इसका आंसर है। तो ये यहाँ पर लिखेंगे 1640 और नीचे 12 को 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो 132 है, और 132 को 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो ये 924 है। 924 को नीचे लिखेंगे डोमिनेटर में। अब ये डिवाइड हो रहे हैं टू के टेबल पे, 2 8 16, 2 2 4 और 0 0। नीचे वाले पे 2 4 8, ये कैरी बचे इसके साथ ही लगा लिए हो गया 12, 2 6 12 और 2 2 4। ये अब दोबारा फिर टू के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 4 8, 2 1 2 और 0 0, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2। इस तरह हमारे पास इसका आंसर है 410/231, यानी कि 410 और 231। अब जी पार्ट, जी पार्ट फ्रैक्शन है 4/3 मल्टीप्लिकेशन 1/4 मल्टीप्लिकेशन 7/10।
जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में पहले चेंज करेंगे, 4/3 वैसे के वैसे लिख लेंगे, मल्टी क्वेश्चन 1/4 भी वैसे के वैसे, और मल्टी क्वेश्चन 10 इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, 10 7 70 70 में 7 ऐड किया तो 77/10। अब जो नोमिनेटर है वो ऊपर लिख लेंगे, 4 × 1 × 77 और डोमिनेटर नीचे 3 × 4 × 10। अब जो नोमिनेटर इनको मल्टीप्लीकेशन करेंगे 74 और 74 को मल्टीप्लीकेशन करें, 77 को 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन करें तो आता है 308 इधर लिखेंगे, और 4 × 3 = 12 को 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन करें तो 120 आता है, तो 120। अब ये डिवाइड हो रहे हैं किसके टेबल पर, 2 के टेबल पर, 2 1s are 2 ये कह रही वजह से सारे कर 10, 2 5s are 10 और 2 4s are 8। नीचे भी 2 6s are 12 0। अब ये दोबारा फिर डिवाइड हो रहे हैं 2 के टेबल पर, 2 7s are 14 ये कह रही वजह से सारे कर लिए 4 के साथ 14 हो गया, 2 7s are 14 और 60 ये भी 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है, 2 3s are 6 और 0 इस तरह था, 77/30 इसका आंसर है। स्टूडेंट्स या क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व द फॉलोइंग, ये पासिंग को भी आपने सॉल्व करना है, तो ये डिवाइड के क्वेश्चन है, इनका मैं आपको बताऊंगी ये किस तरह करने। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट इसका ये पार्ट 7/20 डिवाइड 2 मैथ में जो जहाँ पे डिवाइड मैथ का ये रूल है कि जहाँ पे डिवाइड का सिंबल हो उस क्वेश्चन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं, और रेसिप्रोकल जो सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास होती है इसको रेसिप्रोकल कहते हैं, यानी कि उसको उल्ट करके लिख देते हैं। फिर देखिए मैं आपको बताती हूँ 7/20 / 2 तो ये 7/20 / 2/1 इसको फर्स्ट कर लेंगे हम लोग ओवर वन है, तो अभी इसको मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिखना है 7/20 मल्टीप्लिकेशन। जब इसको मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिखना है तो आपने ये जो सेकंड फ्रैक्शन है इसको आपने रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसको उल्ट करके लिख देना, 2/1 है तो ये 1/2 लिखा जाएगा। ये सारे क्वेश्चनों में ये तरीका आपने करना है, तो ये 1/2 लिखेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नोमिनेटर ऊपर लिख लेते हैं 7/1 और डोमिनेटर नीचे, तो इनको मल्टीप्लिकेशन किया 7 1s are 7 और 20 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो 40, ये हमारा आंसर 7/40। अब बी इसके फ्रैक्शन 2/15 / 5 इसको इस तरह लिखें 2/15 / 5/1 ये मैंने आपको बताया इसको 1 फर्स्ट कर देना कि नीचे इसके 1 है। अब इसको डिवाइड को का साइन है सिंबल चेंज कर देंगे, उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे तो 2/15 मल्टीप्लिकेशन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5/1 है तो 1/5 हो जाएगा। अब नोमिनेटर ऊपर आ जाएगा 2 × 1 और डोमिनेटर नीचे 15 × 5 इनको मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 1s are 2 और 15 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो 75 आए, तो सर 2/75 इसके आंसर है। अब सी पार्ट स्टूडेंट सी पार्ट के फ्रैक्शन है 20/35 और डिवाइड 9 इसको इस तरह लिखेंगे 20/35 / 9/1। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना डिवाइड को तो 20/35 × 9/1 ये रेसिप्रोकल करके इसको लिखेंगे 1/9 तो नोमिनेटर ऊपर आ जाएगा 20/1 और नीचे 35/9 डोमिनेटर इनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं 20 को 1 से मल्टीप्लिकेशन किया तो 20 और 35 को 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो 315 है, तो 315 इस तरह इनके लिखेंगे हम 20/315 ये डिवाइड हो रहा है 5 के टेबल पे 5 4s are 20 5 6s are 30 1 कैरी बचा है 5 के साथ निकाली होगी 15 5 3s are 15
इस तरह 4/63 इसका आंसर है। अब डी पार्ट के फंक्शन है 21/27 डिवाइड 3, इसको इस तरह लिखेंगे 21/27 डिवाइड 3/1। अब इसका साइन चेंज करेंगे यानी कि डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। 21/27 मल्टीप्लिकेशन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1 को 1/3 लिख देंगे। तो अब डोमिनेटर ऊपर लिख लेंगे 21 मल्टीप्लिकेशन 1 और डोमिनेटर नीचे 27 मल्टीप्लिकेशन 3। 21 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया है तो 21 और 27 3 जा 81। 27 3 से मल्टीप्लिकेशन किया है तो 81 आता है। तो ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। 3 7 21, 3 2 6, 2 कैरी बचे हैं इसके साथ गाड़ी वन के साथ 21 हो गए। तो 3 7 21 इस तरह 7/27 इसका आंसर है। अब ए पार्ट है 14/16 डिवाइड 7, तो इसको इस तरह लिखेंगे 14/16 डिवाइड 7/1। अब इसको डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे के साइन में, तो साइन चेंज कर देंगे तो 14/16 मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/1 हो जाएगा 1/7। तो अगर डोमिनेटर ऊपर लिखेंगे 14/1 और डोमिनेटर नीचे 16/7, इनको मल्टीप्लिकेशन करें तो 14 1 14 और 16 को 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो 1/12 आते हैं। तो ये लिखेंगे 14/1/12 ये डिवाइड हो रहे हैं। अब तो 2 7 14, 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं। 2 7 14, 2 5 10 ये कैरी बचा इसके साथ निकाले 12, 2 6 12, इस तरह 1/8 इसका आंसर आ गया। अब एफ पार्ट की है 15/20 फ्रैक्शन और डिवाइड किस पे करना, डिवाइड है 21। तो इसको इस तरह लिखेंगे 15/20 डिवाइड 21/1, इसको साइन चेंज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे 15/20 मल्टीप्लिकेशन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 21/1 है तो ये 1/21 हो जाएगा। अब डोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे 15/1 और डोमिनेटर नीचे 20/21, अब इनको मल्टीप्लिकेशन करें तो 15/15/20 को 21 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो 420 आता है। तो ये नीचे लिख देंगे 420 15/420 और ये स्टूडेंट 3 के टेबल पे जो है वो डिवाइड हुआ है 3 5 15, 3 1 3, ये कैरी बचे से था 12, 3 4 12 और 0 0। तो अब ये 5 और 140 ये डिवाइड हुए हैं, दोबारा डिवाइड हो रहे हैं, ये 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं 5 1 5 5 2 10, 4 कैरी बचे इसके साथ निकालिए 0 40 हो गया 5 8 40। तो इस तरह इसका आंसर है 1/28 इसका आंसर है। अब जी पार्ट 18/24 डिवाइड 3, अब इसको इस तरह लिखेंगे 18/24 डिवाइड 3/1। अब डिवाइड को साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे तो 18/24 मल्टीप्लिकेशन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1 से 1/3 हो जाएगा। डोमिनेटर ऊपर लिखेंगे 18/1 और डोमिनेटर नीचे 24/3, अब इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 1 18 और 24 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 72 आ गया। तो इस तरह 18/72 ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं 2 9 18, 2 3 6, एक कह रहे बच्चे इसके साथ गा लिया 12, 2 6 12, इसे इसका आंसर है 1/4। अब एच पार्ट में है 14/18 डिवाइड 18, अब 14 और इसकी इस तरह लिखेंगे 14/18
डिवाइड 18/1, आप डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में 14/18 मल्टीप्लिकेशन, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 18/1 से हो जाएगा 1/18। अब नोमिनेटर हम ऊपर लिखेंगे 14/1 और डोमिनेटर नीचे 18/18। 14 और 18 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आया 324। इस तरह हम लिखेंगे 14/324। ये डिवाइड हो रहे हैं 2 के टेबल पे, 2 7s are 14, 2 1s are 2, ये कैरी बचे इसके साथ लगा लिए, 12 2 6s are 12 और 2 2s are 4। इस तरह हमारे पास आंसर आया 7/162। 7/ ये स्टूडेंट 162 लिखा होगा, 162 7/162 आंसर है। इसके साथ ही स्टूडेंट हमारे आज के एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गए। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।